हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पारसी देवीवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। आप सभी का सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेई एडवांस 2020 के पेपर फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट की हम बात करने वाले हैं। मतलब मैं पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन पी क्यू आर एंड एस आर सेवन ब्लू। आपको कुछ कंपाउंड्स के न्यूमान्स प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल आइडेंटिकल्स हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसका सबका आईपीसी नोमेनक्लेचर कर लीजिए। आईपीसी नोमेनक्लेचर जहां सेम आएगा वो सेम हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले पी जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। तो फ्रंट वाले कार्बन पे एक कार्बन यहां लगा हुआ है सी एच थ्री, ये कार्बन लगा हुआ है, और सी टू एच फाइव लगा हुआ है, मतलब दो कार्बन लगे हुए हैं। उसके बाद बैक वाले कार्बन पे जाएंगे तो पीछे वाले पर कार्बन, कार्बन पे एक ओ एच लगा हुआ है, एक सी एच थ्री और ये CH3, ये फर्स्ट कंपाउंड है। ऐसे सेकंड कंपाउंड की बात करें, फ्रंट वाले कार्बन पे CH, ये फ्रंट वाला कार्बन कार्बन है, H C2H5 कार्बन कार्बन, उधर लगा हुआ है दो CH3 और उस पे लगा हुआ है OH। बेक वाले कार्बन पे जाऊंगा तो बेक वाले कार्बन पे CH2 और ये CH3, ये बेक वाला कार्बन हो गया। यहां ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये बेक वाला कार्बन है, यहां ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये बेक वाला कार्बन है, जिसपे दो हाइड्रोजन और CH3 लगे हुए हैं। ये क्यों का हो गया। फिर R पे आते हैं, R पे फ्रंट वाले कार्बन पे कार्बन OH कार्बन और बेक वाले कार्बन पे कार्बन और इस पे दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बेक वाले पे, तो कार्बन 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 और ये H, ये हो गया आपका R। S की बात करेंगे तो फ्रंट वाले कार्बन पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये CH2 और ये कार्बन लगा दिया मैंने। फिर बेक वाले कार्बन पे अगर हम बात करें तो बेक वाले कार्बन पे एक OH लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दो कार्बन, और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है CH कार्बन और ये कार्बन। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है। अब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कर ले, और जहां आईपीसी नोमेनक्लेचर सेम आएगा वो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर करें तो देखिए यहां चेन कौन सी बनेगी, क्या ये वाली चेन बनेगी क्या? ओके, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, मतलब पांच कार्बन की चेन बनी है, दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है। इस पे बात करें तो इस पे कौन सी चेन बनेगी, यहां से चेन स्टार्ट होगी, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ बात एक ही है। यहां पे बात करें तो 1 2 3 4 5, यहां भी वही फाइव कार्बन की चेन बन रही है। इसकी बात करें तो यहां चेन बन जाएगी ये वाली, तो 1 2 3 4 5। फिर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे चेन बन जाएगी ये वाली, तो यहां से बात करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, बट इधर मिथाइल आ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की बात की है तो इसमें दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है, इसमें भी दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है, इसमें दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है, इसमें तीन नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है, दो नंबर पे मिथाइल है, दो नंबर पे हाइड्रोक्सी है और दो नंबर पे मिथाइल है,
तीन नंबर पे इथाइल ग्रुप यहां भी है और तीन नंबर पे इथाइल ग्रुप यहां भी है, ठीक है। तो इसका अगर नेमिंग करूं तो इसका नेमिंग होगा 3-ethyl-2-methyl-pentane-2-ol। इसका भी 3-ethyl-2-methyl-pentane-2-ol, मतलब मैं बोलूं Q और R आइडेंटिकल है। ये नहीं है क्योंकि इसमें इथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इन दोनों में इथाइल है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। तो आंसर जो जाएगा Q और R, आंसर वो जाएगा C। C इज करेक्ट आंसर, क्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट, एक सिंपल बेस्ट क्वेश्चन है। सिंपल बेसिकली मतलब आइसोमेरिज्म से कनेक्टिंग आपको कंफर्मेशन को कैसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं ये पूछ लिया, साथ के साथ आईपीएससी नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट भी आपसे पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके नेक्स्ट। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द आईपीएससी नेम 2-ethanol-2-hydroxy-4-methyl-hex-3-in-5-ion-oic acid। मतलब क्या है, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, 2 नंबर पे OH होना चाहिए, और इथिनिल बोलते हैं इस ग्रुप को, ये 3 नंबर पे होना चाहिए, क्लियर। ये ग्रुप 3 नंबर पे होना चाहिए, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, 4 नंबर पे मिथाइल होना चाहिए, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द आईपीएससी नेम, कौन रखेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, चेन बनाओ और नंबरिंग करो। तो फर्स्ट कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को कंसिडर करते हुए ये वाली चेन बन जाएगी, ये लो, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, ये वाली चेन बन जाएगी। इसमें फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, ये वाली चेन बन जाएगी। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, ये वाली चेन बन जाएगी। अब उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग होती है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी रूल, और फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देते हैं। तो यहां से अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो देखो, इधर इसको 1 नंबर मिलेगा, 2-3-4-5-6, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, तो हेक्स तो आ गया। 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। 4 मिथाइल, तो इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट तो कहीं आया ही नहीं। 3 इथाइल आया है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो 1-2-3-4-5, देखो 4 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल, तो इथाइल तो हमें दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं 1-2-3-4-5-6, क्या 3 नंबर पे, 1-2-3 नंबर पे मिथाइल है, हमें 4 नंबर पे मिथाइल चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2-3-4-5-6, 4 नंबर पे मिथाइल है क्या, सॉरी 4 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 3 नंबर पे इथिनिल है क्या, इथिनाइलिन ये वाला ग्रुप है 3 नंबर पे, तो ये भी सही है। 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है क्या, ठीक है, और साथ के साथ 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी। होपफुली ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही हुआ होगा, क्योंकि इसमें गलती करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। सिंपल, और इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री के पेपर में नहीं था, ठीक है। तो आंसर जाएगा वो जाएगा 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज इज शोन बिलो। आपको ये प्रेशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है,
ओके डी इरिथ्रोज का ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन 2D रिप्रेजेंटेशन होता है और ऐसे रिप्रेजेंट उसको करते हैं, इट इज एक्लिप्ट कंफर्मेशन, ये एक्लिप्ट कंफर्मेशन होता है, स्टगर्ड से नहीं बनता है। डी इरिथ्रोज एंड इट्स आइसोमर आर लिस्टेड, और इसी के आइसोमर आपको दिए हुए हैं पी क्यू आर एस इन कोलमन फर्स्ट, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एंड एस विथ डी इरिथ्रोज। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन नोमेनक्लेचर्स आइसोमरिज्म से, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कराया वो भी आइसोमरिज्म से, थर्ड क्वेश्चन वो भी आइसोमरिज्म से, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो ये जो कंपाउंड दिया इसे रिगार्डिंग करना है हमें, तो ये फिशर दिया हुआ है तो इनको भी फिशर में कन्वर्ट कर लो, ये वेज रेस में दिए हुए हैं इनको हमें फिशर में कन्वर्ट करना होगा। तो फिशर में कन्वर्ट करूं तो ये अभी अपोजिट है, मतलब ये ट्रांसोइड है और ट्रांसोइड से डायरेक्ट फिशर नहीं बनता है, ट्रांसोइड को पहले किसमें कन्वर्ट करना होता है, सिसोइड में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं इसको पहले सिसोइड में लेके जाऊंगा उसके बाद इसका कंफर्मेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका कंफर्मेशन यहां बना रहा हूं, आप देखें कि यहां इस पीक का कंफर्मेशन बनाऊं तो ये CHO और अभी ये कंपाउंड है कैसा, अभी ये कंपाउंड है ऐसा, इधर आप देखें ये वाला, इधर CHO लगा हुआ है, इधर ये कार्बन और यहां पे OH अबाउ द प्लेन है, OH यहां पे मैं इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से ये CHO चला गया, इधर ये कार्बन और इसके इधर आ गया CH2OH, CHO कार्बन CH2OH, यहां OH है अबाउ द प्लेन और H है बिलो द प्लेन। फिशर में लेके जाना है तो मुझे ऐसे खड़ा करना पड़ेगा, तो OH इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया, बट डायरेक्ट नहीं ले जाके जाऊंगा, पहले मैं इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रोटेट करना पड़ेगा जिससे ये सिसोइड में चला जाए, और जब रोटेट करोगे तो अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप बिलो द प्लेन जाएगा, बिलो द प्लेन वाला ग्रुप अबाउ द प्लेन चला जाएगा। तो यहां CHO, इधर OH आ गया और ये H, इसको आपने रोटेट कर दिया तो CH2OH। अब इसमें OH, जब इसको रोटेट किया तो OH कहां चला गया, अभी इसमें कहां है, अबाउ द बिलो द प्लेन है तो OH कहां चला गया, अबाउ द प्लेन, तो अबाउ द प्लेन वाले साइड जाएगा, तो अबाउ द प्लेन था OH और ये OH भी कहां चला जाएगा, अबाउ द प्लेन, तो ये OH इधर आएगा और ये H इधर आएगा, ये इसका फिशर है। ऐसे में इसको रिप्रेजेंट करूं CHO, ये CH2OH, इधर कौन है, अबाउ द प्लेन इस लेफ्ट साइड आएगा H और ये OH। अब इसको आपने रोटेट करना है क्या, इसको रोटेट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी, ये तो था रोटेट करना है, इसको रोटेट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी सिसोइड है, मतलब एक्लिप्स कंफर्मेशन है और एक्लिप्स से डायरेक्ट आप फिशर बना सकते हो, तो OH इधर आ जाएगा और ये H, मतलब ये सिसोइड फॉर्म है, ये ट्रांसोइड फॉर्म थी और ये वाली अपोजिट है तो ये भी ट्रांसोइड है और ये वाली सेम है तो ये भी सिसोइड है। तो इसको ट्रांसोइड को रोटेट करना पड़ेगा, ट्रांसोइड से डायरेक्ट फिशन नहीं बनता, मैं बोल रहा हूं ट्रांसोइड रोटेट फिर बनाओ सिसोइड और उसके बाद आपका बनेगा वो बनेगा फिशर, ऐसे आएगा, सिसोइड दिया होता डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया CHO CH2OH ऊपर, H अबाउ द प्लेन है, इधर OH तो H और OH और H, ये बन गया आपके पास क्यों। अब बात करता हूं मैं R की, R ये CHO ये CH2OH रोटेट किया है तो इधर तो OH आ जाएगा, इधर H, इसको रोटेट किया तो OH कहां चला गया, बिलो द प्लेन, तो इस OH के अपोजिट जाएगा, H आ गया अबाउ द प्लेन। इसको कन्वर्ट करूं, ये ऑलरेडी सिसोइड है, CHO H OH, ठीक है, ये CH2OH और ये OH, OH सेम साइड है,
तो ओ एच और ये एच। अब आपको ये जो रिलेशंस दिए हुए हैं ये इसके साथ कनेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट कंपाउंड क्या ये दोनों और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए क्या? आप और वे में चेक कर सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, आरएस अगर सेम आता है तो वो सेम होंगे। और अभी भी देखो तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल है, ये इसके ऊपर सुपर इंपोजिबल हो जाएगा, OH 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 सेम। तो पी के साथ जो डी है वो आइडेंटिकल है, पी के साथ ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इसकी बात करें डी इरिथ्रोज की, सेकंड क्यू के साथ बात करें तो नीचे वाले पे इस पे सेम है कॉन्फ़िगरेशन, इस पे और इस पे सेम है, और ऊपर वाले पे चेंज हुआ है। तो मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो, और यदि जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट उसकी मिरर इमेज है तो एनांसोमर है, वही कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आइडेंटिकल है। उसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब दो पे सेम एक पे डिफरेंट, एक पे सेम दो पे डिफरेंट, और दो स्टीरियो सेंटर है यहां, दो काइरल सेंटर तो एक पे सेम दूसरे पे डिफरेंट, तो दीज आर डायस्ट्रोमर, इनको हम बोलते हैं डायस्ट्रोमर। तो यहां अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो नीचे वाले काइरल सेंटर पे सेम है, ऊपर वाले पे चेंज हुआ है, तो ये वह जो क्यों है वो है डायस्ट्रोमर। ये डायस्ट्रोमर है। इसकी बात करूं तो ऊपर वाले पे सेम है, नीचे वाले पे सेम हुआ है, तो ये भी क्या है? डायस्टीरियोमर। ये भी डायस्टीरियोमर है। नीचे वाले की बात करूं तो जस्ट मिरर इमेज है इसकी, इसको यहां लेके आओगे, सुपर इंपोजिबल हो नहीं रहा, तो ये हो गया एनांसियोमर। तो कॉलम पी फर्स्ट के साथ है डायस्टीरियोमर, नहीं आइडेंटिकल, तो पी में फर्स्ट आएगा, पी में आइडेंटिकल, पी में सेकंड आएगा आइडेंटिकल, पी आइडेंटिकल है तो सेकंड, पी में सेकंड, यहां भी यहां भी यहां भी, तो इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं आएगा। फिर बात करते हैं क्यू में डायस्ट्रोमर, तो क्यू में फर्स्ट आएगा, क्यू में फर्स्ट ये नहीं आएगा, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो क्यू डायस्ट्रोमर क्यू में फर्स्ट दिया हुआ है ये वाला, पी सेकंड क्यू फर्स्ट, आर भी डायस्ट्रोमर है तो आर में भी फर्स्ट, और एस क्या हो गया एनांसोमर, तो थ्री, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन, फिशर से कन्वर्ट करना आपको, सीसोइड और ट्रांसोइड वेज जैसे फिशर में लेके जाना है, फिर आइडेंटिकल आपको चेक करना है, केवल दो कार्य सेंटर पर बात की है। ओके ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1, 2, 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको पांच कंपाउंड दिए गए हैं और इनके करेक्ट स्टेटमेंट की बात आपसे की है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेटेड बेस। किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? H प्लस डोनेट करने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, वो कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उस कंपाउंड के एसिडिटी उतनी ही ज्यादा है। मतलब अगर ये यहां से H डोनेट करेगा तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये वाला बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। और बोल रहा है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये इसका ये जो आपने बनाया ये कॉन्जुगेटेड बेस बनाया क्या? और क्या इसका कॉन्जुगेटेड बेस में डीलोकलाइजेशन है? जी हां, इस नेगेटिव चार्ज का तीन रिंग के साथ क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। इसका 4 ये है, ये H गया और ये बना, हाईली एसिडिक हो गया ये। पहले कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, H प्लस इसने डोनेट की, उसके बाद ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि 4N प्लस
टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने लग गए, एन की वैल्यू फर्स्ट हो गई और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये ए का मतलब है एरोमेटिक इन नेचर, तो इसका ये हाईली एसिडिक है। इन सब कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक फोर्थ कंपाउंड ही है, क्योंकि एच प्लस देने के बाद सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है। इवन इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा है, बट रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट है एरोमेटिसिटी, और यहां 3 रिंग हो सकता है, इनमें नॉन प्लेनरिटी आ जाए तो डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, डीलोकलाइजेशन होगा पर पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो है वो फोर्थ ही है, ठीक है, जिसका पीके वैल्यू, इसका पीके वैल्यू वो होता है 15 के क्लोज, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, कंपाउंड सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड ये एच देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर मैं इस पे NO2 ग्रुप लगाऊं तो NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगने वाला है, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज मीनिंग कॉन्जुकेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उस कंपाउंड की एसिडिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी सही है, कंपाउंड सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक, मतलब मैं अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, और यहां एच लगाया, यहां एच लगाया, ज्यादा एसिडिक कौन है ये वाला, क्योंकि NO2 के माइनस आई से इसकी एसिडिटी बढ़ गई है। रेजोनेंस यहां काम नहीं करेगा NO2 का, ठीक है, केवल यहां पे माइनस आई काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज द करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट फोर्थ फाइव, ये नहीं जी, ये गलत है ऑर्डर। मैंने बोला मोस्ट एसिडिक कौन है, फोर्थ है। मैं कुछ पीके वैल्यू आपको बता देता हूं, और आपको पता है एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, एसिडिटी पीके के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कंपाउंड सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट इज NO2 सब्स्टिट्यूएंट, सही है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर, गलत है। इसका पीके जो आता है ना, इसका पीके आता है 33 के क्लोज, और इसका पीके 15 के क्लोज, और इसका पीके आता है वो आता है 25 के क्लोज, मतलब उससे ज्यादा एसिडिक तो ये भी है, उससे ज्यादा एसिडिक तो ये भी है, एस परसेंट करेक्टर यहां हाईली है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन फाइव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीके वैल्यू, उसके बाद फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है इसने फर्स्ट को ज्यादा बोला है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आपको ये मल्टीपल चॉइस है, सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए बी सी, ठीक है, सिंपल एसिडिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे जेई एडवांस पिछले 3 साल से लगातार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेमेंसन रिडक्शन इन द रिएक्शन स्कीम सोन बिलो क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट। आपको क्यू आर एस की बात करनी है, तो मुझे यहां से एक खाली पेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन करवा पाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहां 2 CH3 लगे हुए हैं और यहां टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद यहां आपको दिया हुआ है ये पी, आपको दिया हुआ है पी है, इस पर रिएजेंट क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये रिएक्शन होगी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सीधी सी बात है ये यहां से टूटेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा, अब रिंग पे अटैक करे तो यहां देखो, यहां हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस 2 CH2 का
प्लस एच लग रहा है, पेरा पे और ऑर्थो पे, तो ये यहां तो पोजिशन खाली नहीं है, अटैक वही करेगा जहां ऑलरेडी एच प्लस प्रेजेंट है, एच प्लस को बाहर करेगा, तो ये तो पेरा पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई, और प्लस एच मतलब ये हुआ ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव, और इसका ऑर्थो पोजिशन हुआ ये वाला, यहां अटैक कर जाएगा, तो ये कंपाउंड अटैक कर जाएगा यहां पे, और तो पेरा डायरेक्टिव है, इसका इस ग्रुप का प्लस एच लग रहा है पेरा पे, पेरा पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई है और तो खाली है, तो और तो पे अटैक हो जाएगा। जैसे अटैक होगा, ये है फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्या बनेगा, ठीक है, ये एजिट रह गया, ये एजिट रह गया, फाइव मेंबर रिंग, ये दो मिथाइल ग्रुप, और इधर से आपके पास जुड़ गया सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू, और ये सी ओ एच, ये वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो यहां से H प्लस बाहर होगा, और वो H प्लस यहां पे आपके पास बनाता है ये वाला CO प्लस, समझना, CH2 CO O माइनस AlCl3 छोड़ी, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा एल्यूमिनियम पे, तो फिर ये H प्लस जो निकलेगा ना वो यहां आ जाएगा, इधर से अटैक हो जाएगा, यहां से अटैक कर जाएगा, इस जगह से अटैक कर जाएगा, और H प्लस यहां पे ये तोड़ के H प्लस यहां आ जाएगा, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना आपके पास, ये वाला कंपाउंड बना क्यों, क्यों, ठीक है, फिर आगे रिएक्शन देखें, इस पर क्या रिएजेंट दिया है, आगे इस पे दिया है जिंक अमलगम कंसेंट्रेट HCl और H3PO4, तो पहले दिया जिंक अमलगम कंसेंट्रेट HCl, हमें पता है ये है क्लिमेंसन रिडक्शन, ये है क्लिमेंसन रिडक्शन, और क्लिमेंसन रिडक्शन का मतलब है कि ये CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH2 में फर्स्ट रिएजेंट से, ठीक है, तो पहले ये बनेगा, ठीक है, CH2 और ये भी कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये भी CH2 में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, तो CH2 ये CH2 दो CH2 वो CH2 में, और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बना, अब इसकी रिएक्शन कराई H3PO4 से, तो H3PO4 किसको हटाएगा, OH को हटाएगा, ये OH गया और यहां इलेक्ट्रोपाइल सेंटर जनरेट, और इस पोजीशन पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, अब ये इस CH2 का ऑर्थोपेरा इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस एच लग रहा है, तो ऑर्थो पोजीशन इसकी खाली है, यहां नहीं जाएगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, और वहां तो रिंग ऊपर से जा भी नहीं सकती, तो यहीं अप्रोच कर जाएगा, तो यहां जो फिर प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, देख लो ये 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ये वाला बन गया, ये कंपाउंड कौन सा बना अपने पास, ये कंपाउंड बन गया है आपका R, ठीक है, ये मैंने बोल दिया इसको R, फिर आपको आगे दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन हाइड्रोलाइसिस,
तो ग्रिगनार रिएजेंट इन हाइड्रोलाइसिस, तो ग्रिगनार रिएजेंट CH3MgBr, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, ये तो वेल नोन रिएक्शन है, सभी को आती होगी। और देखो ये MgCH3 यहां टेक करेगा, ये यहां से यहां OMgBr, और यहां क्या हो जाएगा H प्लस सप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला तो था R, और अब आपके पास बन जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद इधर ये OH और ये CH3, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको स्पेशली, इसको कुछ नहीं बोला, थर्ड रिएजेंट और दिया हुआ है H2SO4 और हीट, और ये H2SO4 और हीट मतलब क्या करेगा, ये डीहाइड्रेशन। कंसंट्रेट H2SO4 एल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन करता है, तो ये OH, ये OH और ये H, ये H2 बाहर हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो फाइनली प्रोडक्ट जो आपके पास आ गया वो ये वाला आ गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और फाइनल प्रोडक्ट को जो नाम दिया है वो दिया है S, ये S है, ठीक है। देख ले, तो हमारे पास P दिया हुआ था, P से हमने Q बनाया, Q से हमने R बनाया, और R से हमने S बनाया। अब ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ S, क्या S की ये स्ट्रक्चर है। देखो S में यहां तो अपने पास CH3 किसी स्ट्रक्चर में नहीं आया, यहां CH3 आया नहीं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड में आपको दिया है Q, तो Q देखो ये लिखा हुआ मेरा Q, यहां पे लिखा हुआ है Q, COCH2CH2COH, तो यहां पे देखो COCH2CH2COH, तो Q आएगा आंसर, आपको Q की जो स्ट्रक्चर दी हुई है वो सही दी हुई है। नेक्स्ट R, क्या R ये वाला बनाया, नहीं जी, डबल बॉन्ड O उधर है, ये नहीं आएगा। फोर्थ आएगा, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब मैं ऑप्शन आपको एक बार चेक करवा देता हूं, इसको साफ करके अब ऑप्शन चेक करते हैं दोबारा। तो ये क्यों आया था अपने पास, यहां जो प्रोडक्ट बना था वो यही बना था, उसके बाद ये डबल बॉन्ड ओ इधर नहीं था, ये गलत है। एस जो है, एस अपने पास ये आया डिहाइड्रेशन के बाद, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सिंपल सा फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन सारे कंसेप्ट इस रिएक्शन में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड पी वाया एन आयनिक। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें, एन आयनिक इंटरमीडिएट, मतलब यहां से एक क्यू कंपाउंड बनेगा और वो बन रहा है थ्रू आयनिक इंटरमीडिएट, आयनिक इंटरमीडिएट के थ्रू बन रहा है। और बोला व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ क्यू। नो डाउट सभी को डीयू या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करना आता है, बट कैलकुलेट तभी कर पाओगे ना जब आप क्यू की सही स्ट्रक्चर बना पाओगे। ध्यान दें, क्वेश्चन का हिंट आपको दिया हुआ है वाया इन आयनिक इंटरमीडिएट, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर, और एस्टर कंसंट्रेट H2SO4, सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, और ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब
कंसंट्रेट H2SO4 फर्स्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से टूटता है इधर OH और इधर H, क्योंकि थोड़ी थोड़ा अमाउंट की जरूरी जरूर है, बट इसमें H2O तो प्रेजेंट है, 100% तो कंसंट्रेट हो नहीं सकता, तो इसका हाइड्रोलाइसिस सबसे पहले होगा, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये रिंग, और ये बन गया, ये लो। ठीक है, अब इसके बाद कंसंट्रेट H2SO4 है तो इस OH को भी हटाएगा, और इस OH को हटाने के बाद ये OH गया, ठीक है, और ये रिंग यहां से, यहां पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड बनाना, वो एक रिंग आपके पास आ गई है, तो फाइनली कंपाउंड बना वो ये वाला बन गया। ये वाला, ठीक है, यहां पे हम ये करते हैं कि ये COH है तो कंसंट्रेट H2SO4 को उठाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और ये रिंग पे अटैक कर जाएगा, तो ये वाला बना। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो रिंग कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तो हो गई रिंग, और 1 रिंग इक्वल टू 1 DU, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 5 तो रिंग का मतलब 5 DU, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 DU, एक डबल बॉन्ड 1 DU को इक्वल होता है, तो देखो डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 इसमें है और 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, मेरी बात समझ में आ रही है, और एक डबल बॉन्ड ये वाला, तो टोटल डबल बॉन्ड जो आपके पास है वो कार्बन कार्बन का हो या अदर किसी कंपाउंड का हो, तो यहां टोटल डबल बॉन्ड है वो 3, 3, 6, 3, 3, 6 और 3, 9, 9 और 3, 12 है, 12 और एक CO वाला, ये वाला मतलब 13 डबल बॉन्ड, तो 13 DU यहां से आ गया, टोटल DU कितना हो गया, वो 18 DU हो गया। इंटीजर क्वेश्चन था सेक्शन 3 का न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 018। ठीक है, सिंपल सा प्रोडक्ट बनने के बाद DU कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये था JEE एडवांस का फर्स्ट पेपर, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मैंने सोल्व करवाया है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, JEE मेन के क्वेश्चंस, इन सब का सॉल्यूशन भी आपको हमारे CLC के YouTube चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, आपको पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे अपन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर फर्स्ट में, क्या आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट O2 अपॉन हाइड्रोलाइसिस, किसके हाइड्रोलाइसिस से अपने को O2 मिलती है। देखो बेटा जी, ये डी, ये कौन है, परोक्साइड, ये कौन है, परोक्साइड है, ये कौन है, परोक्साइड, और ये भी कौन है, परोक्साइड, ये मिक्स डाइनहाइड्राइड है, और ये कौन है, सुपरऑक्साइड। अगर परऑक्साइड का अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, सिंपल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगी। जबकि सुपरऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस हाफ O2 मिलती है, क्या मिलती है, O2। तो अपने को पूछा गया है कि किसके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट O2 अपॉन हाइड्रोलाइसिस, तो किसके हाइड्रोलाइसिस से अपने को क्या मिलेगी, O2 मिलेगी, आंसर आ जाएगा अपना सेकंड
KO2, ये कौन है? सुपर ऑक्साइड है। जितने भी सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कैसे होते हैं? अणुचुंबकीय परिवर्ती के होते हैं। ये MOT में आप पढ़ चुके हो, वैसे क्वेश्चन कहाँ का है? एस ब्लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये सॉल्ट एनालिसिस से आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। ए कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ टू मेटल्स एक्स एंड वाई। इसमें क्या है? नाइट्रेट्स हैं एक्स और वाई के, नाइट्रेट हैं एक्स और वाई के नाइट्रेट हैं। व्हेन इट वाज एडेड इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब क्या अपन क्लोराइड आयन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? क्लोराइड आयन Cl ले रहे हैं, तो अपने को क्या मिल रहा है? ए वाइट PPT वॉज फाउंड, वाइट PPT मिल रही है अपने को, क्या मिल रही है? वाइट PPT मिल रही है क्लोराइड, तो अपने पास क्या बन जाएगा? XCl और YCl, इनकी क्या मिल रही है? वाइट PPT मिल रही है, क्या मिल रही है? वाइट PPT। वैसे तो अपना आंसर ऑप्शन के बेस पर यहीं से मिल जाएगा अपने को, क्या कि AgCl की वाइट PPT होती है एंड PbCl2 की भी अपने को वाइट PPT मिलती है, तो अपने को यहीं से फर्स्ट ग्रुप के जो केटाइन है उनमें अपन देखें Ag होता है, PB होता है और HG होता है। HG यहाँ पर अपने को ऑप्शन में मिल नहीं रहा, अपने को क्या मिल रहे हैं? Ag एंड PB मिल रहे हैं, ये रहे इनकी वाइट PPT मिलेगी, तो आंसर अपना आ जाएगा फर्स्ट। फिर भी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिस PPT वॉज फाउंड इन टू द पार्शली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये हॉट वाटर में क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। और SDP एंड ए सोल्यूशन Q, आगे बात कर रहा है P वॉज सोल्यूबल इन एक्वस NS3। अगर Ag की रिएक्शन किससे अपन कराएं? अमोनिया से कराएं, किसे? एक्वस अमोनिया से कराएं, तो एक संकुल निर्माण, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस बनता है, इसके फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है? ये सोल्यूबल हो जाता है। या फिर अपन बात करें आगे, ये कह रहा है एंड इन एक्सेस ऑफ थायोसोडियम थायोसल्फेट के साथ भी एक संकुल निर्माण करता है जिसके कारण ये सोल्यूबल हो जाता है। द सोल्यूशन क्यू गिव ए येलो PPT विद KI, अपने को पता है AgI या फिर PbI2, ये कैसे येलो PPT मिलती है इनकी? कैसे येलो मिलता है अपने को, कैसा सॉल्यूशन मिलता है? येलो। तो वैसे तो अपना फर्स्ट लाइन से ही आंसर आ गया, इस वाइट PPT कौन देगा? Ag तथा PB देंगे, क्या देंगे? Ag तथा PB, ये फर्स्ट ग्रुप के आयन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो आया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, FeCl4- has tetrahedral geometry, बिल्कुल सही बात है, FeCl4-1 की कैसी होती है? tetrahedral होती है, क्योंकि ये weak ligand है, FeCl4-1 ये weak ligand है, इसमें hybridization होगा, sp3 संकरण होगा, hybridization होगा, तो weak ligand है। नेक्स्ट बात करते हैं बी, कह रहे CoEn का होल NH3 का होल ट्वाइस Cl2+ has दो ज्योमेट्रिकल आइसो नहीं बनते, इसके टोटल कितने बनते हैं? तीन बनते हैं। कैसे कैसे? ये किस टाइप का हो गया? अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं MAA A² B² लिख सकते हैं, MAA A² B² तो इसके कौन से बनेंगे देखें अपन, MAA पहले दोनों को ट्रांस कंडीशन में रख दें इनको, सेकेंड बात करें बी को ट्रांस कंडीशन में रख दें, थर्ड बात करें अपन AAM इनको सिस कंडीशन में रख दें, इनको सिस कंडीशन रख दें, तो अपने पास कितने हो गए? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे, जबकि इसने कितने दे रखे हैं? दो दे रखे हैं, तो ये सही है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगला देखते हैं, FeCl4- हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देन, किससे? इससे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है किसका? FeCl4 का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? Fe कौन से में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5, जबकि इसमें अपन देखें इसमें संकरण कौन सा है? D2SP3 संकरण है, कौन सा है? D2SP3 संकरण है, मतलब क्या हुआ? इसमें पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाने के कारण क्या होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, तो ये ऑप्शन भी अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द कोबाल्ट आयन इन
हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि अभी अपन बताया गया इसमें कौन सा है, d2 sp3 संकरण है, कौन सा है, d2 sp3 संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड पर क्लोरेट। पहले तो इनका अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, OCl माइनस, क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है ClO3 माइनस, पर क्लोरेट का आयन का फॉर्मूला क्या होता है ClO4-1। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अपने को, इनमें से देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। इन चारों एसिड में बात करें, क्लोरीन के चारों एसिड बात करें, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होती है, HClO4 की होती है। अपने को पता है कंजुगेटेड बेस बनाएं, कोई वीक एसिड है तो उसका कंजुगेटेड जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें हाइपोक्लोराइट, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये वीक एसिड है किसके कंपेयर में, HClO4, तो इसका OCl माइनस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा अपने पास। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कह रहे द मोलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, ClO3 माइनस पर क्या पड़ा है, लोन पेयर पड़ा है, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर अलग मिलेगी अपने को, बिल्कुल ये भी सही है। द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन तो गिव राइज टू आइडेंटिकल साइट ऑफ सेट ऑफ आयन, कह रहा है कि दोनों को अगर अपन ये रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, दोनों की सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अपन HClO3 एंड HClO को बात करें, इसकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में बात करें तो ये किसमें टूटता है, ये HClO4 प्लस ClO2 प्लस H2O में ब्रेक होता है, किसमें, HClO3 है जो क्लोरिक एसिड है, ये पर क्लोरिक एसिड और ClO2 में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, ClO2 में। जबकि HClO की बात करें तो ये किसमें टूटता है बेटा, HClO3 प्लस HCl में टूटता है, HClO3 प्लस HCl में टूटता है, तो इनमें प्रोडक्ट्स अपने को सेम नहीं मिल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज द सल्फाइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनमें अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखी जाए, नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ती है, परंतु यहाँ अपना उल्टा है, HOCl एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि HOCl किसमें ब्रेक हो जाता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है। साथ में इसका एक नाम और याद रखना, पहले ही पूछा गया है क्या, इसको बोलते हैं एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का अम्ल, इसके जो टूटने से ही नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, जिसके कारण ब्लीचिंग पाउडर किसकी तरह बिहेव करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये पेपर फर्स्ट में अपने पास चार क्वेश्चन आए हुए हैं, चारों इजी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, आपको मैं करा चुका हूं आज इनऑर्गेनिक फर्स्ट में, इतने हैं, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं BR चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं JEE एडवांस्ड 2020 का केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें फिजिकल का पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट है ये, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप का है, गैसियस स्टेट से ये प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ ए गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो, देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल, द एवरेज एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स रेस्पेक्टिवली इज। अगर ये आपको फिगर नहीं दे रखा होता, देन वी नो दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू 2RT अपॉन में m का रूट। ऐसी अगर कहेगी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल होगा किसके, 8RT अपॉन में पाई m रूट के। ऐसी अगर बात करें RMS स्पीड, URMS, तो ये इक्वल होगी रूट 3RT बाई एम का रूट, ठीक है, 2RT बाई एम का रूट, 8RT बाई पाई एम का रूट और 3RT बाई एम का रूट। अगर आपको ये फिगर नहीं दे रखा होता, ये कर्व नहीं दे रखा होता, इनके अकॉर्डिंग जो कर्व आता है ना, वो इस तरह से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स के लिए जो कर्व आता है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता, इस टाइप का कर्व आता है, ये
एसिमेट्रिकल कर्व होता है, ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। इस साइड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इस साइड में स्पीड है, और ये जो होती है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ मोस्टली पार्टिकल्स, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो इस कर्व को, इस कर्व को देखते हैं। अगर आपको ये कर्व नहीं दे रखा होता तो सिंपली यहां से आप क्या कर देते, रेशियो बता देते स्पीड्स का, बट इस कर्व से बताना आपको। तो ये देखो, देखे ये कर्व कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है इट मींस क्या बताओगे, इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना वही एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो रेशियो है वो 1:1 है। सिमेट्रिकल कर्व के कारण एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेम है। यूएमपी इक्वल है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल है यू एवरेज के, ठीक है। तो इनका रेशियो आएगा 1:1। तो ये देखो यहां पर भी 1:1 आ रहा है, यहां पर भी 1:1 आ रहा है। अब अपन देखते हैं यू आर एम एस, ऑब्वियसली यू आर एम एस की वैल्यू यू एम पी एंड यू एवरेज से ज्यादा होगी, और ये कितने टाइम होगा, ये 1.224 टाइम होगा यू एम पी के कंपेरिजन में या यू एवरेज के कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि किससे डिवाइड करना है आपको, √3 को डिवाइड करना है √2 से, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन थर्मोडायनामिक्स द पीवी वर्क डन इज गिवन बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इंटू पी एक्सटर्नल फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज, ये दे रखा है। अब ध्यान दोगे यहां पर, पहली बात तो ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर को यहां गैस के प्रेशर से रिप्लेस किया गया है। ये ओनली तभी पॉसिबल है, ये ओनली तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो। पी एक्सटर्नल को पी गैस के इक्वल ओनली तभी ले सकते हैं जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो। दूसरी बात, इंटीग्रेट भी कर रहे हो तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो देखेंगे ये कंफर्म हो गया यहां से कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल। बाकी के कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये बाद की बात है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आर टी अपॉन में वी माइनस बी माइनस ए अपॉन में वी स्क्वायर, ये किसके लिए, ये रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए तो पी इक्वल होगा किसके, एनआरटी बाई वी के, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। वन मोल के लिए कहेंगे तो आर टी बाई वी आएगा, लेकिन ये जो है फॉर्मूला ये रियल गैस के लिए, ये होता है फॉर्मूला वन मोल के लिए, पी प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये फॉर्मूला। तो यहां से पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी इज इक्वल टू ये आएगा आर टी अपॉन में वी माइनस बी माइनस में ए अपॉन में वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर टी अपॉन में वी माइनस बी माइनस ए अपॉन में वी स्क्वायर, ये हो गया पी इज इक्वल टू। तो यही वैल्यू है, इसका मतलब ये किसके लिए वर्क डन है, वर्क डन फॉर ए रियल गैस। तो देखेंगे ऑप्शन देखते हैं, द इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम दैट सेटिस्फाइज द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है ये, वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब रियल गैस के लिए है ये एप्लीकेबल है रियल गैस के लिए, बिल्कुल करेक्ट है ये। प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा, वो चाहे आइसोथर्मिक हो या एडियाबेटिक हो, दोनों के लिए अप्लाई होगा, इसका मतलब ये करेक्ट है दोनों, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम थी और बहुत इजी सी प्रॉब्लम थी अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद में। ये सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम है, वन और मोर देन वन टाइप का प्रॉब्लम है ये भी। द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम एंड एनायन एक्स इज शोन बिलो, व्हेन कंपेयर्ड टू द एनायन द कैटायन हैज स्मॉलर आयनिक रेडियस। ऑब्वियसली जैसा होता है जनरली क्या होता है, द रेडियस ऑफ
कैटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन, यहां पर भी यही बात की है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं, ये है आपका एम और ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। देखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू, तो एम कहां पर है, फेस सेंटर पर है। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 1/2 इंटू टू फेस सेंटर में है तो इंटू टू कर देंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही अगर कहें कि नंबर ऑफ एक्स क्या आएगा, नंबर ऑफ एक्स क्या आएगा, तो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा, कहां पर है एक्स, ए सेंटर पर है, ए सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू इंटू 1 2 3 4 4, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एम बी 1 है, एक्स बी 1 है, तो क्या आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या आएगा कंपाउंड का, एम एक्स आएगा, एम एक्स आएगा, ठीक है। तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज एम एक्स, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां कैटायन और एनायन, एम्पिरिकल फॉर्मूला 1:1, इट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है ये बात करेंगे। बट अभी ये कन्फर्मली कह सकते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, ये कन्फर्मली कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द कैटायन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, नो। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल इज लेंथ इज 0.866, ठीक है। ये यहां से देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी, उसके बाद में अपन ये डिस्टेंस देखते हैं, या फिर ये देख लो कि ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगी, और अपने को ये डिस्टेंस पता है अच्छे से, तो देखते हैं ये डिस्टेंस बतानी है आपको, ये नहीं आ रहा है यहां पर, ये डायरेक्टली यहां से यहां तक कॉर्नर तक ये डिस्टेंस आपकी है a/2, और ये डिस्टेंस है, ये टोटल √2a होता है, फेस डायगोनल है, हाफ ऑफ फेस डायगोनल का मतलब a/√2। तो डिस्टेंस बता देते हैं, एम एक्स बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, एम एक्स बॉन्ड लेंथ देखते हैं, ये आएगा एम एक्स बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू √a² / 4, इसका मैंने पॉ 2 कर दिया, प्लस में a² / 2, ठीक है। तो ये यहां से ये आएगा 3a² / 4 √, √3a / 2, √3a/2, ये एम एक्स बॉन्ड लेंथ आई है, यहां पर क्या है ये एक्स है और ये एम है, तो एम एक्स बॉन्ड लेंथ होगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एम एंड एक्स एम एक्स बॉन्ड लेंथ होगी। आपको क्या कहा है, द रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल इज लेंथ, यानी ए से डिवाइड करना है रेशियो के लिए, तो ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा √3/2 आएगा, √3/2 का मतलब 1.732/2 आ जाएगा, तो ये आएगा आपके 0.866, ये करेक्ट है बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे क्या, कैटायन और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे कैटायन और एनायन के, उसी बेसिस पर ये बताया जाएगा, रेशियो बताया जाएगा, आयनिक रेडियाई का रेशियो बताया जाएगा एम और एक्स का। तो देखते हैं, पहले एम के लिए देखते हैं कैटायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये देखोगे ये फेस के सेंटर पर है, इस साइड में सराउंडिंग जितने एनायन होंगे उतने ही एनायन अदर यूनिट सेल के होंगे, तो यहां पर देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 इस साइड में, वैसे ही 4 अदर साइड में होंगे इस साइड में, तो इसका मतलब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया कैटायन के लिए 8, कैटायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8 है, 4 इस यूनिट सेल के, 4 उस यूनिट सेल के, क्योंकि फेस सेंटर कॉमन होता है 2 यूनिट सेल में, ठीक है। अब अगर बात करें अपन किसकी, एक्स की, तो एक्स की बात करेंगे तो एक्स कहां पर है, इस सेंटर पर, एक्स इस सेंटर पर है, ठीक है, इस सेंटर पर है, इस सेंटर कॉमन होता है 4 यूनिट सेल में, 4 यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में 2 है, 1 यूनिट सेल में 2, तो 4 यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे 8, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर एम का भी कितना आएगा 8, एक्स का भी आएगा 8, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जांपल है।
और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 हो उस कंडीशन में जो रेडियस रेशियो आएगा ना कैटायन और एनायन का वो आएगा 0.732, ये दे रखा है 0.414, इसका मतलब ये इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 5 ml ऑफ 0.1 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन ए कॉनिकल फ्लास्क इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH फ्रॉम ए ब्यूरेट यूजिंग फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर। द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड बिलो फॉर 5 experiments। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोलरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको टाइट्रेशन करना है। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन, और इसका टाइट्रेशन करना है किसके साथ, NaOH के साथ, और आपको NaOH की मोलरिटी बतानी है। ये एक्सपेरिमेंट के डेटास दे रखे हैं। आप देखो, देखें ये टाइट्रेशन कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि 3 values सेम नहीं आ जाए, कॉनकॉर्डेंट वैल्यू कहते हैं इनको, 3 concordant value नहीं आ जाए तब तक एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ 999 ये रिपीट हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको ये लेना है, एवरेज नहीं लेना है, ये लेना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत है नहीं। मिली इक्वलेंट इक्वल करने, मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बेस। अब मिली इक्वलेंट किसके इक्वल होते हैं, नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी 0.2 होगी, 0.1 इंटू एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड के लिए एन फैक्टर 2, 0.1 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बेस, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ NaOH 1 इंटू 9, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा मीन्स 0.11 आ जाएगा, 0.1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका आंसर आ जाएगा 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप की प्रॉब्लम है। कंसीडर द रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एट 1000 केल्विन, एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 bar। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विथ टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट एट 2000 केल्विन। किसका रेशियो बताना, डेल्टा जी नोट का, डेल्टा जी नोट एट 1000 केल्विन अपॉन में डेल्टा जी नोट एट 2000 केल्विन, ये आपको बताना है। ठीक है, 2000 केल्विन। ये रेशियो बताना। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं इसके लिए जो केपी आएगा, के इक्विलिब्रियम जो आएगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कोएफिशिएंट 1 है इसके लिए भी और उसके लिए भी 1 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीबी बाई पी ए। तो देखोगे फर्स्ट एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन आप देखोगे पार्शियल प्रेशर बी का क्या है 1000 केल्विन पर, जो कि कांस्टेंट है टाइम के साथ, वो कितना है 10 bar है, ये बार में ही है 10 bar। ठीक है, और एट 2000 केल्विन, एट 2000 केल्विन देख सकते हो आप 100 bar है, तो क्या आ जाएगा के इक्विलिब्रियम या केपी एट 1000 केल्विन, कितना आएगा केपी 1000 केल्विन पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वैसे ही अगर केपी बात करें 2000 केल्विन पर, तो ए का पार्शियल प्रेशर मेंशन कर रखा है, देखना थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 bar, तो ये तो 1 है बट ये 100 हो गया है। अब आप कहोगे कि ये पहले 115 भी तो हो रहा है, जो कांस्टेंट हो रहा है ना वो लेना है आपको। ठीक है, तो ये आपका केपी फर्स्ट आ गया और ये केपी सेकेंड आ गया, यानी केपी एट 1000 केल्विन, केपी एट 2000 केल्विन। अब डेल्टा जी नोट बता देते हैं किसके इक्वल होता है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट इक्वल होता है -RT ln के इक्विलिब्रियम। तो रेशियो बताते हैं डेल्टा जी नोट एट 1000 केल्विन अपॉन में डेल्टा जी नोट एट 2000 केल्विन
इज इक्वल टू टी वन 1000, ln kp 10 अपॉन में 2000 ln 100. ln 100 को कैसे नोट कर सकते हो, 2 ln 10. तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1/2 और ये भी आ जाएगा आपका 1/2, यानी आपका आंसर आएगा 0.25. ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है ये भी, और मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। कंसिडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 1 bar and 298 kelvin। इट्स सेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए। द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 1.0 × 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज टू कंप्रेस 1 mole ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द आइडियल गैस। आपको डेल्टा टी बताना है। क्या कहा सबसे पहले, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जो कि 70% एफिशियंट है। इससे जो वर्क डेराइव हुआ है वो यूज हुआ है एक 1 mole मोनोएटॉमिक गैस को कंप्रेस करने में, किसके अंदर, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा। आपको डेल्टा टी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो काम करेंगे वो है ये कि सेल का जो डेल्टा जी नोट बताएंगे, क्योंकि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल या डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो डेल्टा जी नोट बताएंगे जो कि इक्वल आएगा -NFe सेल के, ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में बताना। एन क्या आएगा सबसे पहले, एन तो आप देखो, देखें 1 mole ऑक्सीजन यूज होता है तो ये 4 electron इन्वॉल्वड, या 0.5 mole ऑक्सीजन यूज हो रहा है, या फिर ये देख लो हाइड्रोजन जो है इसके लिए देखोगे तो 1 mole है हाइड्रोजन का, तो क्या बता देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड क्या बताएंगे, 2 into जो आपको फ्यूल सेल के लिए सेल रिएक्शन दे रखी है उसके लिए एन की वैल्यू भी बताना जरूरी है। तो एन इज इक्वल टू क्या, 2 × 96,500 इंटू ई नोट सेल, कितना आएगा ई नोट सेल, ई नोट सेल इज इक्वल टू ये आएगा ई नोट सी माइनस ई नोट ई, ई नोट सी माइनस ई नोट ए। तो ई नोट सी जो होगा कैथोड का ई नोट, तो यहां पर देखो, देखे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी फ्यूल सेल होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है, इसका मतलब उसका खुद का रिडक्शन होता है ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजन एज ए कैथोड बिहेव करेगा, तो ऑक्सीजन के केस में ये ई नोट है 1.23 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि जीरो है, तो ये आपका आ गया 1.23 वोल्ट। ये यूनिट आएगी जूल, ये डेल्टा जी नोट, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो फ्यूल सेल है पर्टिकुलर, ये जो, ये तो डेल्टा जी नोट कॉमनली नोट किया है, ये जो फ्यूल सेल है जिसमें कंजप्शन हो रहा है 10⁻³ हाइड्रोजन का और इसकी एफिशिएंसी है 70%, उसके लिए ये क्या आएगा, डब्ल्यू क्या आएगा, वर्क डेराइव्ड फ्रॉम दिस फ्यूल सेल, दिस पर्टिकुलर फ्यूल सेल, तो क्या जाएगा माइनस, ये तो रहेगा 2 × 96,500 × 1.23 × ये 1 mole हाइड्रोजन के केस में था, × 10⁻³ × 0.7, ये यूनिट आगे आगे जूल यूनिट। ये जो W है ये 1 mole मोनोएटॉमिक गैस के कंप्रेस के लिए यूज हो रहा है, ये W यूज हो रहा है 1 mole मोनोएटॉमिक गैस के कंप्रेशन में। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 166.173। इसको यूज कर रहे हैं क्या करने में, एक मोनोएटॉमिक गैस के कंप्रेस करने में, किसके अंदर, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर। अगर ये नोट कर ले इसका मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी फाइंड आउट करना है, 1 mole गैस है, सीवी क्या आ जाएगा, 3/2 R। आर उसी यूनिट में लोगे, ये जूल में है, तो आर की वैल्यू 8.314 लोगे इंटू डेल्टा टी। सॉल्व कर लो यहां से डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहां से जो आएगा वो 13.32 आएगा। क्या आएगा डेल्टा टी, 13.32। सिंपल सी कंसेप्ट थी, जो वर्क डराई हुआ इस फ्यूल सेल से वो अगेन यूज हो रहा है एक 1 mole मोनोएटॉमिक गैस को कंप्रेस करने में। आपको डेल्टा टी बताना था,
ये मैग्नीट्यूड ही लिया मैंने ओनली, क्योंकि डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए। कंप्रेशन वर्क ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5m सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन, यूज मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एज 27, r इज इक्वल टू ये। ठीक है, किसकी रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम की एंड सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, रिएक्शन करवा देते हैं, एल्यूमिनियम प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, किसका फॉर्मेशन करना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में ये हाइड्रोजन, बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ गया, ये सल्फेट 3 है तो ये 3 आ गया और ये हाइड्रोजन 3 हो गया, कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। अब टी इज इक्वल टू 0 पर मोल क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पर मोल क्या है, तो आपको मास दे रखा है एल्यूमिनियम का 5.4, मोलर मास है 27, डिवाइड कर दिया, इसके लिए मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल, मोल इक्वल होता है किसके, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये मोल होते हैं, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलेरिटी 5 है, 50 ml है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से डिवाइड कर दो, ये वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, तो ये आएगा आपका 0.2 और ये आएगा 0.25। आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, LR आइडेंटिफाई करना है कि कंप्लीटली कंजप्शन किसका होगा या प्रोडक्ट के मोल को कौन डिसाइड करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट सिंपली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो गिवन मोल को डिवाइड कर दो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 0.2 को डिवाइड करेंगे, ये गिवन मोल है एल्यूमिनियम के अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम 0.2/2, 0.25 को डिवाइड करेंगे 3 से, इनमें से ये देखेंगे कि लोअर वैल्यू कौन सी है, तो ये 0.1 है और ये लेस देन 0.1 होगा, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, जिसकी वैल्यू ये कंपैरिजन करोगे किसको किससे डिवाइड किया, गिवन मोल्स को डिवाइड किया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिस रिएक्टेंट के लिए वैल्यू मिनिमम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये वैल्यू मिनिमम है इन दोनों में से, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके मोल बताने हाइड्रोजन के, कुछ भी नहीं करना है, ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके मोल आ जाएंगे 0.25, ये इसके मोल है 0.25, आपको इसके मोल बताने, तो 0.25/3 आएगा। ठीक है, उसके मोल आगे 0.25, आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना, तो V इज इक्वल टू क्या, nRT/P, nRT/P, n कितना 0.25, r कितना 0.082, इंटू टी कितना, कब बताना देख लो, 300 अपॉन में पी कितना, तो पी कितना 180, ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6.15 लीटर है, 6.15। ठीक है, यही बताना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ये, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यूरेनियम 238 इज नॉन टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके टू फॉर्म लेड 206 बाई इमिटिंग एल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ए रॉक इनिशियली कंटेंड 68×10⁻⁶ ग्राम ऑफ यूरेनियम 238, इफ द नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स दैट इट वुड इमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 238 टू लेड 206 इन 3 हाफ लाइफ इज Z×10⁻¹⁸, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू बतानी, ये क्या होगा, तो देखते हैं, ये यूरेनियम है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यूरेनियम 238 है, कन्वर्ट हो रहा है लेड 206 में। ठीक है, मास नंबर ओनली डिक्रीज होगा एल्फा इमिशन से, 1 एल्फा के इमिशन से मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है, 1 एल्फा के इमिशन से मास नंबर कितने से डिक्रीज होता है, 4 से, यहां 238 से 206 हो रहा है, इसका मतलब मास नंबर डिक्रीजेज बाई 32, 32 से डिक्रीज हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल आ जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 8 एल्फा, प्लस में बीटा भी बता देते हैं, एल्फा एंड बीटा का है आपको पहले ही, तो एल्फा 8 आ गया, 1 एल्फा से एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है, 8 एल्फा से एटॉमिक नंबर 16 से डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहां एटॉमिक नंबर तो 10 से ही डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 से इंक्रीज भी हुआ है, 1 एटॉमिक नंबर 1 बीटा इमिशन से इंक्रीज होता है, तो 6 बीटा का भी इमिशन हो रहा है। ठीक है, मास दे रखा है स्टार्टिंग में,
तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो पर इसके नंबर ऑफ एटम अगर ये हो एन नोट हो आफ्टर थ्री हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे यूरेनियम के। तो ये रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं रेडियो एक्टिव डीके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो एन टी इक्वल होता है एन नोट अपॉन में टू की पावर एन ये एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। आफ्टर वन हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे एन नोट बाई टू आफ्टर टू हाफ लाइफ एन नोट बाई फोर आफ्टर थ्री हाफ लाइफ एन नोट बाई एट तो ये आफ्टर थ्री हाफ लाइफ आफ्टर थ्री हाफ लाइफ आफ्टर थ्री हाफ लाइफ ये कितने होंगे एन नोट बाई एट ये एन नोट थे स्टार्टिंग में और ये वन बाई एट हो गए इसका मतलब डीके हो गया है सेवन बाई एट पार्ट का डीके हो गया वन बाई एट पार्ट रहा है तो सेवन बाई एट पार्ट का डीके हो गया इसका मतलब सेवन अपॉन में एट इंटू एन नॉट इंटू एट आ जाएगा ये अल्फा पार्टिकल होंगे ये एन नॉट है ये एन नॉट बाई टी है इसका मतलब डीके कितने का हुआ ये तो रिमेनिंग है ना डीके हुआ है सेवन एन नॉट बाई एट का ठीक है जब यहां से वन का डीके होता है तो उसके एट का फॉर्मेशन होता है जब यहां से सेवन एन नॉट बाई एट का डीके हुआ है तो इसके कितने का फॉर्मेशन होगा तो सेवन एन नॉट का फॉर्मेशन होगा ठीक है। अब अपन एन नोट की वैल्यू बता देते हैं बस और उसको सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे एन नोट की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम सबसे पहले मोल बताएंगे ये आ जाएंगे मोल 68 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 238 ये मोल आ गए यूरेनियम के। एटम्स के लिए क्या कहेंगे एटम्स के लिए क्या करेंगे 68 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 238 इंटू एनए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए यानी ये एन नोट की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो सेवन से ठीक है आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे तो ये आते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर 18 आपको यही वैल्यू पूछी आपका आंसर आ जाएगा 1.2 ठीक है। ये फिजिकल का पोर्शन था बाकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक भी सेपरेटली डिस्कस होंगे ये फर्स्ट पेपर का फिजिकल का पोर्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।